तो अपन को मालूम ही नहीं यार साहब कि क्या होया का नहीं होया, मतलब पुलिस ने उनका गोली फेर कर दे सो बता ही जाए। आपको कैसे पता चला कि गोली लगी? भाई छोरा ने फोन लगाया ना चौकी पास ही। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? ये मतलब काम करके यहाँ से जा रहा था पीतमपुर से, काम पे जा रहा था, रोज काम पे जाए तो पीतमपुर। ये हलो मामलो ये तो खूब लोग भीड़ थी, गाड़ी साइड नहीं निकलना, में लोग ना मतलब फेर कर तो एक तो वो यहीं पड़े हो मतलब नारा ना कहो। किसने चलाई थी? पुलिस ने चलाई। क्यों चलाई थी गोली पुलिस ने? अब कहियो तो अपन कहीं जितनी जानकारी नहीं है। कहाँ पे लगी गोली? देखो कहाँ पे लगी? यहाँ पे लगी, पैर में। जांग बोले आपका वो छोरा? क्या नाम है? संजू। और आपका नाम क्या है? बरसिंह। बरसिंह तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो काम पे आया था इधर। तो भैरू सिंह क्या कर रहे थे पुलिस थाने में कल? वो इधर से काम पे तो जा रहा था। अच्छा तो फिर किसने गोली चलाई? अभी उनको भी नहीं पता है, हम धुंधा गाँव में फंस गया था रोड पे, धमाका हो रहा था तो रुक गए वहाँ पे। आपको किस प्रकार सूचना लगी कि इनके गोली लगी इनको? तुम्हारे सर बोला खबर करी तो आप फिर वहाँ पर आए, पुलिस वाले से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी ना वो आ गए थे लेने को। पोस्टमार्टम में क्या बताया कुछ पुलिस? अभी तो कुछ नहीं बताया, अब बताएंगे। वहाँ बेटे का क्या नाम है आपके? भैरू सिंह। वहाँ जो भीड़ क्यों लगी थी उसका कारण मेरे को नहीं मालूम ना। क्या करते थे ये? इधर आए थे काम पे, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा गोली कहाँ लगी है? गोली। आपका नाम? कश्मीर। आपका नाम? मदन। मदन। और आप मृतक के कौन लगते हैं? पिता है उनके? पिता है ना, डेथ हुई थी उसका नाम ना पोस्टमार्टम में हुआ है, खरगोन जिले का है वो परिवार। एंड उनका कोई दूसरे समाज के ना लड़के के साथ है ना वो लोग रह रहे थे साथ में। डेथ के बाद परिजनों को उनके ना रिलेटिव्स को लगा कि मतलब है ना इनके खिलाफ है ना 302 का है ना मामला दर्ज होना चाहिए, बट वो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, बट उसके बाद भी पुलिस ने इमीडिएटली 302 में है ना FIR दर्ज किया एंड उनको अरेस्ट भी कर दिया। एंड उसके बाद भी लोकल है ना कुछ लोगों का है ना मांग है कि मतलब उनको है ना हम हैंड ओवर कर दें, उनका हाथ में है ना दे, तो पुलिस लगातार है ना उन नेगोशिएट कर रहे थे। TAE थे, SGOP, एडिशनल SP, तहसीलदार, SDM सभी पूरी टीम थी उधर। एंड लगातार उनसे बातचीत हो रही थी कि आपका 302 भी हो गया है एंड अरेस्ट भी हो गया है एंड आपका है ना डेफिनेटली है ना हम न्याय के ना माध्यम से ना उनको है ना व्हाटएवर है ना पनिशमेंट है ना मिलेगा वो मिलेगा, बट तनाव तनाव का है ना गहरा हो गया था। फिर लगातार है ना स्टोन बिल्डिंग है ना शुरू हो गया एंड टीम ने उसको है ना कंट्रोल करने के लिए ना कोशिश किया है उसमें। फिर इस प्रकार की एक और दुर्घटना हो गई कि मतलब उसी में ही है ना एक लड़का का ना डेथ हो गई, उसका भी ना पोस्टमार्टम चल रहा है। घायल कितने थे? अभी हमारे अधिकारीगण भी है ना आई थिंक 14-15 लोगों के ना घायल हो गए हैं सारे पुलिस मैन है, उसी में भी है ना आदिवासी ना समाज का लोग भी है पुलिस में। एंड TAE का है ना उनका आग में ना इंजरी हो गया, अभी हॉस्पिटलाइज है और बहुत सारे लोगों के ना पैर वगैरह सभी में ना चोट लगी है। एंड उसकी अपोजिट है ना साइड से मतलब है ना कौन सी समाज की उससे मतलब है ना कौन लड़ रहे थे उसमें ना एक इंजरी है, वो भी ना हॉस्पिटलाइज है, वो क्लियरली ना स्टेबल है सर। लेकिन परिजन बोल रहे थे कि पुलिस उसमें कोई सुनवाई नहीं कर रही है और पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। नहीं ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, वैसे ये घटना तो बिल्कुल है ना दुख घटना है, ये सारे इवेंट्स ना ऐसे टर्न आउट हुआ है, बट है ना जैसे कि ना कल घटना हुई थी पुलिस ने 302 का है ना केस है ना दर्ज कर लिया गया था एंड अरेस्ट कर दिया गया। आई थिंक ये है ना सबसे ना मैक्सिमम है ना पॉसिबल चीज़ है ना यही था, तो ये कर दिया गया और उनको है ना समझाई देने के लिए भी ना काफ़ी कोशिश है ना किया गया। नहीं वो एक्चुअली ये आरोप है मतलब ये तो पोस्टमार्टम हुई है, पोस्टमार्टम है ना रिपोर्ट में ना कोई भी चीज़ है वो सामने आ। इसमें CM ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं? हाँ डेफिनेटली मजिस्ट्रियल जांच के लिए ना ऑर्डर कर दिए गए, उसमें ना मजिस्ट्रियल जांच ना शुरू भी हो गया है। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए सर? चेक करके बता दूँगा तेरह लोगों का ना मतलब है ना पुलिसकर्मी घायल हुए। मृतक का नाम क्या था? बेरुलाल।